दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टॉप 6 बेस्ट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी सारी बाइक्स अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी बाइक्स बेस्ट बेटर वैल्यू फॉर मनी रह सकती हैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भाई कौन कौन सी बाइक जो है बेस्ट बेटर वैल्यू फॉर मनी है, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आपके पेरेंट्स इन बाइक्स को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इन बाइक्स को परचेस कर सकते हैं, एंड अगर आपके पेरेंट्स इन बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी फोर्स या फिर प्रेशराइज्ड बिल्कुल भी ना करें। बाकी दोस्तों इन सारी बाइक्स के प्राइस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके बजट में जो भी बाइक आती है आप उसको परचेस कर सकते हैं। एंड अब विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट की फर्स्ट बाइक रहती है बजाज की तरफ से पल्सर N160 डुअल चैनल ABS। ओके, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक काफ़ी अच्छी है, साथ ही बाइक के लुक्स डिज़ाइन और स्टाइल भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी माइलेज देखने को मिल जाएगी, ये बाइक बड़े आराम से आपको लाइक 45-50 KMPL की माइलेज प्रोवाइड करा देगी। काफ़ी अच्छी आपको पावर देखने को मिलती है, 164.82 cc का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक SOHC 2-वॉल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर 16 HP की देखने को मिलती है, 14.65 Nm का टॉर्क, 5-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं, एनालॉग डिजिटल टाइप का कंसोल देखने को मिलता है, 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, फ्रंट में 37mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने को मिलते हैं, मोनोशॉक विद नाइट्रॉक सस्पेंशन बाइक के रियर पार्ट में, स्पोर्टी अंडर वैली एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है। बाइक के अंदर आपको फ्रंट में हेडलाइट BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलती है विद LED DRLs के साथ, डे टाइम रनिंग टेल लाइट भी आपको LED देखने को मिलती है, USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल ABS का ऑप्शन प्रोवाइड करा देती है बाइक। बाइक में आपको काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। इस बाइक के प्राइस आपको 1,27,000 के आसपास आपको एक्स शोरूम देखने को मिलेंगे, ऑन रोड ये बाइक आपको 1,40,000 या फिर 1,45,000 के आसपास देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस बाइक के प्राइस आपको अंडर 1.50 lakh के आसपास ऑन रोड आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी, अगर आपके बजट में आती है तो आप परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहती है दोस्तों TVS की अपाचे RTR 160 4B स्पेशल एडिशन, जो कि रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है। इसके एक्सशोरूम प्राइस आपको 1,30,000 के आसपास देखने को मिलेंगे, 1,30,000, और ऑन रोड ये बाइक भी आपको 1,50,000 के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाइक में आपको काफ़ी अच्छे न्यूली डिज़ाइन ग्राफिक्स, न्यू कलर स्कीम, साथ ही न्यू फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही पावर भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 159.7 cc का ऑयल कूल्ड SI 4-स्टॉक SOHC सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, एंड साथ ही बाइक में आपको 17.55 hp की पावर, 14.73 Nm का टॉर्क, 5 गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ, काफ़ी अच्छे डायमेंशन देखने को मिल जाते हैं, 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स, मोनोशॉक सस्पेंशन बाइक के रियर पार्ट में, साथ ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको डिजिटल देखने को मिलता है फुल्ली, जिसके अंदर आपको मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले कनेक्टर फीचर भी देखने को मिलते हैं, एंड बाइक के अंदर आपको LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, इंडिकेटर आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं फ्रंट रियर दोनों, साथ ही आपको जेन्युइन लेदर की सीट देखने को मिलती है। इस बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे कंफर्ट फीचर भी प्रोवाइड कराए गए हैं, व्हाइट कलर के अंदर आपको रियर व्हील रेड कलर के अलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेगा, एंड फ्रंट में आपको ब्लैक देखने को मिलेगा व्हाइट कलर के अंदर, एंड ब्लैक कलर के अंदर आपको दोनों व्हील लाइक रेड कलर के देखने को मिलेंगे। बाइक में आपको फ्रंट टायर 90x90 का, रियर टायर 130x70 का, दोनों टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, सिंगल चैनल सुपर मोटो ABS का ऑप्शन देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। बाइक बड़े आराम से आपको 45-50 KMPL का माइलेज प्रोवाइड करा देगी, इसको आप परचेस कर सकते हैं, काफ़ी बेटर वैल्यू फॉर मनी बाइक है ये, और बहुत सारे लाइक स्टूडेंट इस बाइक को कंसिडर भी करते हैं। प्राइस मैंने एक्सप्लेन कर दी है, 1,50,000 के अंदर ये बाइक आपको देखने को मिलेगी, एक्जैक्टली इस बाइक के प्राइस आपको एक्स शोरूम 1,30,000 के आसपास देखने को मिलते हैं, एंड अगर आपको प्राइस के हिसाब से इस बाइक के लुक डिज़ाइन स्टाइल फीचर अच्छे लगते हैं तो आप इस बाइक को भी परचेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहती है बजाज की तरफ से पल्सर NS 200। ओवरऑल बाइक के लुक्स डिजाइन काफी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है लेकिन यंगस्टर अब भी इस बाइक को परचेस कर सकते हैं, बिकॉज 200 cc का इंजन आपको 1,40,000 के प्राइस पॉइंट पर एक्स शोरूम देखने को मिलता है। इस बाइक के ऑन रोड प्राइस आपको 1,60,000 के आसपास देखने को मिलेंगे दोस्तों, बिकॉज इसमें आपको पावर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है,
बाइक के लुक्स डिज़ाइन स्टाइल ऑलरेडी आपने देख रखे होंगे। बाकी पावर के बारे में बात करूं, 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, 24.5 एचपी की पावर, 18.7 न्यूटन का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। साथ ही बाइक में आपको 6 गियर स्पीड बॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। रियर पार्ट में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक ऑब्जर्वर विद कैनिस्टर सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे डायमेंशंस के साथ आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। बाइक में डिजिटल प्लस एनालॉग टाइप का कंसोल देखने को मिलता है। बाइक के अंदर आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है फ्रंट में, टेल लाइट आपको एलईडी देखने को मिलती है, इंडिकेटर आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं। साथ ही बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 100x80 का टायर, रियर में आपको 130x70 का टायर जो कि आपको 10 स्पोक अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। ये बाइक आपको बड़े आराम से 35-40 kmpl का माइलेज प्रोवाइड करा देगी। बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कलर स्कीम देखने को मिल जाती है। प्राइस के बारे में बात करूं तो इस बाइक के एक्सशोरूम प्राइस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 140,500 देखने को मिलेंगे। लाइक बजाज के शोरूम में आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ऑन रोड ये बाइक आपको 160,000 के आसपास देखने को मिलेगी। ओके, तो अगर आपके बजट में ये बाइक आती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं 200cc की। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहती है दोस्तों इस लिस्ट के फोर्थ नंबर पर, यामा की FGS B4 रिलैक्स वर्जन, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है अपग्रेड होकर। बाइक के लुक्स डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे देखने को लगते हैं। बाइक के अंदर आपको हेड जो है बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलता है ओल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे न्यूली फीचर ऐड किए गए हैं। ओवरऑल बाइक के अंदर काफ़ी अच्छी न्यूली कलर ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। साथ ही बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी पावर भी देखने को मिलती है। 149cc का एयर कूल्ड 4-स्टॉक 2-वॉल्व SOHC इंजन देखने को मिलता है, 12.4 HP की पावर, 13.3 N का टॉर्क, 5-स्पीड गियरबॉक्स एंड बाइक के अंदर आपको BS6 कंप्लायंट इंजन प्रोवाइड कराया जाता है। 41mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन बाइक के रियर पार्ट में। बाइक के अंदर काफी अच्छे डायमेंशंस के साथ आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है विद मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले सारे कनेक्टेड फीचर के साथ। बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे आपको सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बाइक के अंदर ऐड कर दिए गए। बाइक बड़े आराम से आपको 45-50 kmpl की माइलेज प्रोवाइड करा देगी। इस बाइक के एक्सशोरूम प्राइस आपको 1,27,400 के आसपास एक्सशोरूम देखने को मिलते हैं। ऑन रोड ये बाइक भी आपको 1,40,000 या फिर 1,45,000 के आसपास पड़ जाएगी, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं अगर आपके बजट में आती है और आपको लुक्स डिज़ाइन स्टाइल अच्छे लगते हैं तो। ओके, नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करें, जो कि रहती है हीरो की तरफ से। इसका भी टॉप लेटेस्ट मॉडल हीरो की एक्सट्रीम 160R स्टील्थ एडिशन 2.0, जो कि आपको लाइक सस्पेंशन जिसके फ्रंट में आपको कलर्ड देखने को मिलते हैं, ये वाला वेरिएंट आप परचेस कर सकते हैं। 1,29,700 एक्सशोरूम प्राइस पर आती है ये बाइक। ऑन रोड ये बाइक के प्राइस आपको 1,50,000 या फिर 1,60,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट सी सीट देखने को मिलती है और काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइप की बाइक के अंदर सीट एंड हेड आपको देखने को मिलता है। नेकेड वेरिएंट बाइक है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए लाइक काफ़ी अच्छी बाइक है। काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिलती है, 163cc का एयर कूल 4-स्टॉक 2-वॉल्व सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसके अंदर आपको 15.2 HP की पावर, 14 N का टॉर्क, BS6 कंप्लायंट इंजन ऑफर किया गया है 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ। साथ ही आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 37mm के टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। रियर पार्ट में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिलता है। बाइक के अंदर आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइप का स्पोर्टी एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे डायमेंशंस के साथ आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। ऑल LED लाइट्स के सेटअप के साथ आपको काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर एंड आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी प्रोवाइड कराया गया है। एंड दोस्तों ये बाइक भी जो है 45-50 kmpl के आसपास आपको माइलेज बड़े आराम से प्रोवाइड करा देगी। इस बाइक के अंदर आपको लुक डिजाइन ग्राफिक्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। कलर स्कीम भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही बाइक के अंदर आपको कॉम्पैक्ट टाइप का हेड एंड कॉम्पैक्ट टाइप की आपको सीट देखने को मिलती है। इस बाइक को अगर आप पसंद करते हैं या फिर परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1,29,700 के आसपास आपको इस बाइक के प्राइस देखने को मिलेंगे एक शोरूम। ये बाइक भी आपको ऑन रोड 1,50,000 या फिर 1,60,000 के आसपास देखने को मिलेगी। ओके, बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट की 6 या फिर लास्ट बाइक के बारे में, जो कि रहती है यामा की MT-15। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, MT-15 के जो प्राइस हैं आपको ऑन रोड 2,05,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2023 वाले अपग्रेडेड मॉडल के बारे में, जो कि एक फीचर लोडेड मशीन बन चुकी है। यामा ने इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे
टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर लाइक प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और बाइक के अंदर आपको जो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले भी था, लेकिन इस बार आपको डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, LED इंडिकेटर, साथ ही बाइक के अंदर आपको एक प्रीमियम टाइप की कलर स्कीम और प्रोवाइड करा दी है, जिसकी वजह से बाइक के प्राइस जो है 3000 के आसपास इंक्रीज़ हो गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यामा की MT-15 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बाइक है, लेकिन इस बाइक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, जिसकी वजह से मैं आपको सिर्फ अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर आपके लाइक पेरेंट्स इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स इस बाइक को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को जो है प्रेशराइज या फिर फोर्स बिल्कुल भी ना करें बाइक को परचेस करने के लिए, बिकॉज इस बाइक के प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, 2 लाख 5 हज़ार के आसपास ये बाइक ऑन रोड आती है, तो आप जो अपने पेरेंट्स को लाइक प्रेशराइज बिल्कुल भी ना करें। बाकी MT-15 से अलग ये पांचों बाइक काफ़ी द बेटर वैल्यू फॉर मनी है। MT-15 वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, क्योंकि इस बाइक के अंदर 155 सीसी का इंजन देखने को मिलता है और ये बाइक जो है 200 सीसी बाइक्स को कम्पीट कर देती है इजीली। लेकिन दोस्तों उसी हिसाब से इस बाइक के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस बाइक को परचेस करें, वरना पांचों बाइकों में से आप कोई सी बाइक भी परचेस कर सकते हैं जो भी आपके बजट में आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।